हूँ आपके साथ मेघा एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट 9 न्यूज, जहाँ पर आपसे चर्चा होगी फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 को लेकर। एज यू ऑल नो, बिग बॉस का अंत हो चुका है, लेकिन ये जो बज है ये थमने का रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिग बॉस का अंत हो चुका है लेकिन शो को लेकर आ रही खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इन सबके बीच में आसिम रियाज शो के असली विनर बनने के काबिल थे। सिद्धार्थ को नहीं आसिम को जीतना चाहिए था। आसिम और हिमांशी का प्यार है झूठा, ऐसे कई तरह के सवाल लोगों के मन में हैं। ऐसे ही सवालों का सामना हिमांशी खुराना से हुआ। हिमांशी का एक इंटरव्यू हुआ जहां पर उनसे सवाल किए गए हैं शो को लेकर, सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, आसिम और सिद्धार्थ के विनर बनने वाली कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर, आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की दुश्मनी को लेकर, और हिमांशी खुराना अपने इंटरव्यू में क्या कहती हैं, सुनिए जरा। आसिम रियाज लगातार चर्चा में बने हुए हैं, आप सब ये बात जानते हैं। आसिम ने बिग बॉस की ट्रॉफी को भले ही हार गए हों, लेकिन आसिम ने इस पूरे सीजन को जीत लिया है, और इसीलिए यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ चर्चे हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आसिम रियाज के। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ भी बातें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ आसिम रियाज की हो रही हैं, और इन सबके बीच में हम आपके लिए आसिम रियाज से जुड़ी कुछ बेहद खास खबरें लेकर हाजिर हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बिग बॉस के घर में आसिम ने हिमांशी के साथ प्यार ही किया है या नाटक? बिग बॉस के घर में आसिम को हिमांशी के साथ प्यार हुआ या वो सिर्फ और सिर्फ नाटक रहा? बिग बॉस के घर में हिमांशी खुराना और आसिम ने जो प्यार एक दूसरे के साथ दिखाया है, वो प्यार ही है या सिर्फ और सिर्फ दिखावा? हर कोई ये जानना चाहता है। अब जवाब कौन देगा? भाई जवाब देंगी कोई और नहीं बल्कि खुद हिमांशी खुराना। हिमांशी का हुआ इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में हिमांशी से पूछा गया, प्यार भी करती हैं आप या नहीं? आसिम और आपका रिश्ता कितनी आगे जाने वाला है? कहां तक आप दोनों जाएंगे? भाई प्यार मोहब्बत तो दिखा ली, लेकिन ये प्यार मोहब्बत आगे कहां तक जाएगी? हिमांशी से उनके और आसिम के रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल किए गए, और इन कई तरह के सवालों में क्या कुछ कहती हैं हिमांशी खुराना, पहले आप जरा ये ही सुन लीजिए। नहीं पड़ता कोई और क्या बोलता है। ऑल्सो घर के अंदर हमने देखा कि आसिम और सिद्धार्थ की पहले दोस्ती दिखाई, फिर दुश्मनी देखी, घर के बाहर क्या होने वाला है इस बारे में? आई डोंट नो, उनका अभी फेस ऑफ हुआ नहीं है ऐसा, तो आसिम को ज़्यादा पता है। आई डोंट वॉन्ट कि आसिम किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब रहे हैं, एंड ये लॉन्ग जर्नी है, अभी उन्हें खुद की मेहनत से बहुत कुछ अर्न किया है, तो आई थिंक वो चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए, अभी उसको आगे फोकस करना चाहिए उस चीज़ के लिए। लोगों ने इतना प्यार दिया, देखो समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर चीज़ का आंसर करो। आसिम ने उन चीज़ों के लिए वेट किया, जब मैं घर से एविक्ट हो रही थी तो किसी ने टॉन्ट मारा था उनको कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और जब मैं कनेक्शन वीक के लिए अंदर गई अगेन, उन्होंने फिर आसिम ने अपने मुंह से बोला व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट? तो डेस्टिनी ने उनके लिए प्लान्स रखे हुए थे। अभी एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट आसिम, तो मुझे नहीं लगता कि उनको सिद्धार्थ को कोई जवाब देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लोग जवाब दे रहे हैं उनकी तरफ से। शो में तो आपने यू नो कुछ जवाब नहीं दिया था, कहा था कि हम बाहर जाएंगे और बात करेंगे, क्या डिसाइड किया है आपने आसिम को लेकर? आई थिंक यू ऑल एज अ गर्ल आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं लड़की वहाँ पे और सीधा मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं। मैरिज सी रिलेशनशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैरिज इज़ लाइक द मिक्सचर ऑफ द कंपैटिबिलिटी, योर डेली रूटीन, और आप एक दूसरे के साथ कैसे रहते हो विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फैमिलीज, दो परिवार को साथ लेके चलना। तो मैं उस चीज़ के लिए कंसर्न थी कि अभी हमारी फैमिलीज के साथ बात नहीं हुई है, मैं तुम्हें प्रॉपर नहीं जानती हूँ। शो में बहुत सारी बातें जो हम नहीं करना चाहते थे, तो उस वक्त मेरे को ये था कि आसिम अभी थोड़ा, क्योंकि हम वो मेरे से अलग होके थोड़ा सा उन्होंने बोला कि मैं अग्रेसिव हो गया था, लेकिन मेरे लिए उस वक्त ये था कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे और मैं उनको सुनना चाहती हूँ। मैं सुन रही थी उनको, एक पर्सन को आप काम कर रहे हो उनके अंदर जो भी भरा हुआ है सुन के, तो लोगों ने अगर उसको उस चीज़ पे लिया है तो
देयर ओपिनियन, लेकिन उस वक्त तक हम दोनों की पर्सनल लाइफ हो चुकी थी. वो उस वक्त हमारे लिए बिग बॉस नहीं था, वो हमारी रियल लाइफ के बारे में बात चल रही थी. तो आई थिंक एज अ गर्ल टाइम लेना इज़ वेरी नेचुरल. तो अभी हम जब बाहर आए और मेरे को ये भी देखना था कि आसिम को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, और ऐसा तो नहीं है कि वो शो में किसी के साथ कनेक्टेड फील करे इसीलिए वो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन वो बाहर आके स्टिल द सेम. या बहुत सारे बैक टू बैक वर्क प्लान हैं, एंड मेरा वीडियो अभी और लॉन्च होने वाला है, एंड बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. तो सुना आपने, हिमांशी ने अपने दिल की बात कह दी है. अपने मन में कुछ वो रखना नहीं चाहती और वो फिलहाल इस तरह के विवादों पर फुल स्टॉप लगाना चाहती है. यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब आपसे चर्चा करते हैं आसिम रियाज के बारे में. जिस तरह के सवालों का सामना हिमांशी ने किया, वैसे ही सवाल आसिम से भी किए गए, वैसे ही सवालों का सामना आसिम रियाज से भी हुआ. आसिम से भी पूछा गया, डू यू फील द सेम कि बिग बॉस बायस्ड है, जैसे आपके लाखों फैंस को लग रहा है, क्या आपको भी लगता है? इस तरह के तमाम सवालों पर आसिम रियाज ने चुप्पी तोड़ते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा. अब यहाँ से सवाल उठता है आसिम रियाज का कि आखिर आसिम क्या कह रहे हैं. यहाँ सवाल उठता है कि आखिर आसिम रियाज क्या कुछ कहते हैं. तो बता दे आपको, आसिम रियाज का आ गया है बड़ा इंटरव्यू सामने, जहाँ आसिम ने बिग बॉस सीजन 13 को लेकर, आसिम ने अपने और हिमांशी के रिश्ते को लेकर, आगे क्या कुछ करेंगे इस मुद्दे को लेकर कह दी हैं ढेर सारी बातें. बता दे आपको, आसिम रियाज पूरी तरह से लगातार चर्चे में हैं. उनका इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल आसिम से ये किया गया, आगे के फ्यूचर प्लान्स आपके क्या क्या है. आसिम ने कहा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो लाइन में हैं, बहुत सब कुछ करना बाकी रह गया है. महेश भट्ट की फिल्म के बारे में मुझे कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ. व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज विल कम माय वे, आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट टू इट. आसिम रियाज कहते हैं कि मैं काफी कुछ अच्छा करूँगा, जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती रहेंगी मैं उन पर काम करता रहूंगा. इसके बाद आसिम से सवाल किया गया कि भाई लोग कह रहे हैं कि आप जो हैं वो थोड़ा नाराज हैं बिग बॉस से, लोग कह रहे हैं कि आपने बिग बॉस सीजन 13 में काम बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको जानबूझकर हरा दिया गया. आसिम ने कहा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मैं तो यही कहूंगा कि लोग कहते तो बहुत कुछ हैं, मैं डिसअपॉइंट हूं कि मैं जीता नहीं, लेकिन ये जो भी बात है वो सारी झूठी है. बिग बॉस सीजन 13 फिक्स्ड किसी भी लिहाज में नहीं है, इस शो में फिक्स्ड जैसा कुछ नहीं है. हमने जो कुछ भी किया अपनी मेहनत से किया, हम जहां भी पहुंचे आपके प्यार की वजह से पहुंचे, और आगे भी इसी तरह से जाते रहेंगे, आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने चाहने वालों को जरा भी निराश ना करूं. आसिम से पूछा गया, आप फर्स्ट रनर अप हैं, ट्रॉफी नहीं जीत पाए, कैसा सोचते हैं? आसिम ने कहा, जहां से मैं देख रहा हूं, मैं तो जीता ही हूं, क्योंकि लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, लोग मुझे इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से मैं तो बिग बॉस सीजन 13 जीता ही हूँ. वेल, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, ड्रामे लगातार होते जा रहे हैं. अब देखना होगा आगे ये कंट्रोवर्सी कौन सा नया मोड़ लेती है. यानी आसिम को किसी भी लहजे में ऐसा नहीं लगता कि बिग बॉस बायस्ड है, लेकिन आसिम ने ये बात भी कह दी कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने लोगों का प्यार जीता है, और असल मायने में वही अपने आप को विनर मानते हैं. सो गाइस, आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही. अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का. ले रहे हैं आपसे विदा हर बार की तरह इसी वादे के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत. नमस्कार.
Yeah.